बसमलर रहीम मौला यासल वसलम दा अबदा अला हबीबी का खैर ख़ल की कुल्ही नजरिन इक्राम रेब्यसानी की मुनासिबत से ये खूबसूरत प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है जिसमें हम मुख्त मौजुआत को तसवफ़ की रोशनी में अपने मेहमानों की गुफ्तु के तनाजुर में समझने की और सीखने की कोशिश कर रहे हैं आज भी बहुत अहम मौजू है जिसका तल्लुक हमारी ज़िंदगी से है और मौजू है सब्र और शुक्र मुसीबत के वक्त सब्र करना और नेमत के मिलने पर शुक्र करना और इस हवाले से अलिया कराम की तलीमत क्या हैं और ख़ास तौर पर हज़रत शेख़ सैयद अब्दुल्कर जीलानी रहमत ला के हवाले से इस अहम मौजू पर इन शाला अपने मेहमानों से गुफ्तु करेंगे नशार के साथ मेहमानों से तारफ़ की तरफ चलते हैं कि शहनशाह विलायत खुशरव अकलीम रूहानी शहनशाह विलायत खुसरवे में रूहानी इमाम अलौलिया वरा महबूब सुबहानी मुसलमान की हयात नौ हैं मुहैद्दीन जीलानी मुसलमान की हयात नौ हैं मुहैद्दीन जीलानी नवलियों में कोई हमसर नपीरों में कोई सानी मुसीबत दूर हो मुश्किल मिटे पैदा हो आसानी अगर हो माइले रहमत तुम्हारी लुत्फ़ सामानी जिगर बंदे हसन नूर नगाहे फ़ातिमा जहरा जिगर बंदे हसन नूर निगाहे फ़ातिमा जहरा तुम असरता कदम ताहिर मुक़दस और नूरानी वाँ। वाँ। प्रोग्राम का आगाज करते हैं मेहमानों के तारफ़ की तरफ चलते हैं हमारी खुशबी है कि हमारी आज रहनुमाई के लिए हमें मयसर हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबसम कादरी साहब असल बहुत शुक्रिया हज़रत आपकी तशीफ आवरी का और ए आर वाई क्यू टी वी का आप हिस्सा हैं और हमेशा हमारे नाज्रीन आपकी रहनुमाई से मुस्तफीद होते हैं आप तशीफ़ आवरी पे शिक्र गुजार हैं हरूणाबाद से हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त जनाब डॉक्टर हाफिज़ गुलाम वहीुद्दीन लक्षमंदी साहब उलू इस्लामिया के उस्ताद हैं और हमारा मान है बड़ी मोहब्बत से तशरीफ़ लाए हैं आप आपको भी खुश कहते हैं जनाब हाफिज आबिद हुसैन चिश्ती नात और मनकबत के लिए हमारे साथ तशीफ़ फरमाएं आपको भी खुश कहते हैं बिस्मिल्ला कलाम अता फरमाई सर की आखों से शान खुदा देखिए सर की आँखों ने खुदा देखिए चश्मे दिल से रुखे मोस्फा देखिए चश्मे दिल से रुखे मोस्तफ़ा देखिए जिसने मांगा उसे रश के हातिम किया जिसने मांगा उसे के हातिम किया शा तैब शा तैब कजू दो सखा देखिए शाहे बाजू दो सखा देखिए कीजिए मांगने का इरादा इधर कीजिए

सब्ज गुंबद का मंजर जरा देखिए की आंखों से शान खुदा देखिए चश्मे दिल से रुखे मुस्तफ़ा देखिए माशा माशा सलामत रहें जर बहुत खूबसूरत कलाम अता फ़रमाया अपने हजरत किबला मुफ्ती साहब गुफगुओ का आगाज़ करते हैं बहुत अहम मौजू है इसका ताल्लुक हमारी ज़िंदगी से रोज़मर्रा के अमूर से भी है लेकिन सूफिया के हाँ ये ख़ास इस तरह में इस्तेमाल होता है ख़ास तौर पर हजरत शेख की सीरत के हवाले से सब्र और शुक्र के इर्शात फरमाइए अम्मा बादु फौज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी सुभान अल्लाह तो सुभान अल्लाह सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला लाडला बेटा तेरा सुभान अल्लाह आपकी याद में सजी संजमन के अंदर हाजरी बहुत बड़ा एजाज और سعادت बेशक और ये जो टाइटल है बहुत जाम सब्र और शुक्र जब आपने सवाल का आगाज़ किया तो मुझे एक बात याद आ गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम ने इतने ख़ूबसूरत मोती ताफ़ फरमाए फरमाया बंद मोमिन की जिंदगी भी क्या खूबसूरत जिंदगी है जो सबर और शोकर के दरमियान दायर है अल्लाहबर अल्लाह सबर और शोकर के दो हम के दरमियान घूमने वाला दायरा है सुबह सुबह अगर उसे कोई नेमत अल्लाह की तरफ से अता होती है तो वो शोकर करता है और अगर कोई उताद पड़ती है या नमत छिन जाती है तो वो सब्र करता है हर हाल में मोमिन के लिए खैर ही खैर क्या बात सुबहान अल्ला और कुरान मजीद फुरकान हमीद की तकरीबन एक सौ तीन आयात हैं जो सबर को और शुक्र को अल्लाह कर खास तौर पर आला सबर आला के हवाले से एक सौ तीन आला आयात जिन में सबर की तलकीन है सबर के फजाइल हैं सबर के इनामात वाह वा। वा। सूफिया कराम अलिया उम्मत पाकान उम्मत उनकी तो सारी जिंदगी प्रैक्टिकल दर्श देती हुई नजर आती है सबर के बारे में और शोकर के बारे में एक एक लम्हा राह खुदा में इतनी मुश्किल का सामना इन्हें करना पड़ा है सैदा गौसम शेख अब्दुल अब्दुल्कर मुहद्दीन रहमत लाल तो आपकी हस्ती जब बचपन से लेकर आपकी जिंदगी के आखिरी सांस तक देखे ना माँ ने एक नसीहत की थी कि बेटा आप जा रहे हो मुझसे जुदा हो रहे हो तो झूठ नहीं बोलना क्या बात आ तो वादा करके गए अब वहां सबर का माना ये होता है कि बंदा अपने नफ्स पर कंट्रोल करे काबू करे उसे रोक के रखे जब आप पंजाबी चे रस्से तोड़ाने की कोशिश कर रहे हो वे उस वे यहां क्या त्या ये है बात उसको उसको कंट्रोल करना जबते नफ्स जो है तो उस वक्त क्या अंदेशे वस ख्यालात कि यार ये माल बचा लिया जाए नफ्स क्या कुछ कह रहा होगा लेकिन आप जो एक अहद करके आए थे माँ का ऑर्डर जो था सामने वो उसको इस तरह निभाया है और सब्र और इस्तेकामत का ऐसा मुजाहरा किया है कि सैकड़ों लोगों की तकदीर बदल गए क्या बात सुबह सुबह इसलिए हज़रत इकबाल ने यह कहा ना कि सीरत फ़र्जंदा अज उमहहा जौहर सिद्धो सफात कहा कि ये औलाद का जो किरदार बनता है ना जो बच्चों का बेटों का बेटियों का करेक्टर डिवेलप होता है तो वो माँ के पाकिजा किरदार से उसकी गोद से तो मैं इसकी तशरी में ये जुमला कहा करता हूँ कि अगर माँ उम्मल खैर फातिमा हो अल्लाह ऐसी जिसकी आंख ने कभी गैर महरम को ना हो देक जिसकी समातों से कभी कोई जुमला ना टकराया हो जिसकी जबान से गैर अखला की बात ना निकली हो वाह माँ उम्मुल खैर फातिमा हो तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी होता है माँ सयदा कायनात फ़ातिमा हो तो बेटा हुसैन इब्ने अली होता है यहाँ फिर तालीम हासिल करने के लिए जब बगदाद आप जाते हैं फिर वहाँ फाकों का सामना करते हैं लोगों के ताने सहते हैं और दरिया दजला के किनारे जा के पत्ते खाते हैं लेकिन सबर का दामन आपने हाथ से छूटने नहीं दिया हुआ है। हुआ किसी हुआ एक आपके यात पाक का एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया कि कभी आपकी ज़बान पर कुछ शिकवा आया हो और फिर जब आपने अपनी यूनिवर्सिटी कायम की उसकी क्याम में के क्याम के दौरान जो मुश्किल मुतजद्दीन के फितना की सरकूबी करते हुए वक्त के बेलगाम और शतरे बे मुहार हुक्मरानों को लगाम डालते हुए इतनी मुश्किल का सामना आप लोग आपको करना पड़ा है लेकिन आप हर हाल में साबिर रहे हैं और कॉल से ही नहीं बल्कि अपने अमल से सबर की तबलीग और तलकीन फरमा क्या बात सुबहानल्लाजरत ब्रेक का वक्त है लेकिन मैं जाने से पहले हजरत शेख का एक कॉल आपकी ख़िदमत में अर्ज करते हुए जब आपसे वापस आके लेते हैं सब्र का मफहूम आपने इस कॉल में बयान फरमाया है कि सब्र को ईमान से वो ताल्लुक है जो सर को जिसम से है सब्र का मतलब है तू किसी से गिला शिकवा न करे और सब्र का ये मतलब भी है कि तू आजमाश और आजमाइश में साबित कदम रहे आपने पूरा मफूम उसका बयान फरमाया है वक्फे पे चलते हैं और वापस आके आपसे इसका जवाब लेते हैं नाजरीन हमारे साथ रहिए है। लौटते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद नाजरीन खुश आमदेद कहते हैं वक्फे के बाद आपको और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने अर्ज किया था कि आपने फरमाया के सब्र को ईमान से वो ताल्लुक है जो सर को जिसम के साथ है क्या फरमाते हैं मुझसे कबल मुफ्ती साहब ने बहुत आसन अंदाज में कुरान सुन्नत की रोशनी में और खसूस सीरत हज़रत सैद नौ रजील शेख अब्दुल्क जीलानी बयान फ़रमाई ये जो आपने कहा है ना ये आपका अलफ रब्बानी का एक ख़ुतबा है ठीक और ये बासठ खुतबे हैं और हमें चाहिए कि इन खतबात का फिर से मुला करें ठीक इसमें एक मकाम पे आप सब्र की जो कैफियत है और उसका जो मकाम है वो बयान करते हुए फरमाते हैं कि असब्र मिनल ईमान कर रिमिन जसदर की ईमान में वही हैसियत है जो जिसम में सर की हैसियत सर सबसे बुलंद है और इससे पूरे जिसम के अंदर इसी तरह ईमान में सबर जो है इस आला मकाम पे है और आपने अपनी जिंदगी में भी बताया और फिर इसी मकाम पे आगे जाके जब आप इसी सबर की कैफियत को बयान करते हुए जिस अजीम हस्ती को रोल मॉडल के तौर पर पे पहले पेश करते हैं वह हजरत सजना यूसुफा है आप फरमाते हैं कि देखें हजरत जनाब सज यूसुफ्लाम आप किन किन मराहल से गुजरे और किस किस मकाम पे आपने सब्र किया अब देखें कि ये कुरानी मज़ीद की बारहवीं सूरा है और इसमें बारह ही रुकू है अल्लाह और इसमें तरतीब के एतबार से भी ये बारहवें नंबर पर है और बारह भाइयों का ही इसमें तस्करा है और इसमें बारह नेकियों का तस्करा है इस पूरी सूरह में और बारह बुराइयों से रोका गया है और उन बारह नेकियों का जो क्लाइमैक्स है ना वो सब्र है जब भाई आए ना आपके पास और आके उन्होंने कहा कि कालू आलानता यूसुफ आप ही यूसुफ हैं वो आखिर में जब गला लेने के लिए काला आना यूसुफ वहा फरमा हाँ मैं यूसुफ हूं और ये मेरे भाई हैं तो उन्होंने कहा कि हमने तो आपको कुएं में उतारा था कि आप नीचे चले जाए मगर आप तो तख्ते मिसर पे बुलंद हो गए उरूज तो ये कैसे हुआ तो आपने अपनी नेकी का तस्करा नहीं किया बल्कि फरमाया फरमाए कदम ये अल्लाह करीम का हम पे एहसान है मेरी अच्छा। जाती कमाल नहीं है तो उन्होंने कहा ठीक है ये कमाल तो है पर वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह करीम ऐसे उर्वज अता करता है तो उस मकाम पे आपने फरमाया इन्ना हु यत्तकी हर वो शख्स जो मुतकी होगा और साबिर होगा तो अल्लाह उन्हें एहसान करने वालों का अजर कभी ज़ाया नहीं करेगा तो आप उस तरफ तोज्जो दिला रहे हैं कि पूरी सूरा यूसुफ में जो सबसे आखिर में जब पूछा गया कि ये सारी बरकतें और आपने घर बार छोड़ा वालदेन से आप दूर हुए और फिर आगे भाइयों की उस जफा के उस कैफियत को और फिर वहाँ पे पहुँचे और फिर अजीज़ मिस्र की वजह से फिर आप जेल में जो आपने सब्र किया और हर मरहले में आपने अल्लाह ताला की ज़ात ऐरक़ात आप पे तवक्कुल व यकीन यही हजरत सैन्य गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमें बताना चाह रहे हैं कि अगर आप भी इसी तरह और फिर आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको याद किया अल्लाह अकबर वही तमाम, तमाम मरहले हैं हिजरत भी है और अपनों की जफा भी है बेगानों की सजा भी है और फिर जब आप मक्का के मौके पे हजूर मक्का मुकरमा में आते हैं तो वही जुमला इरशाद फरमाते हैं जो आपने अपने भाइयों से कहा था आ, ला तसरी आज तुमसे कोई पूछ नहीं है और तुम सबको मैंने छोड़ दिया माफी अता कर दी तो सही आपकी सीरत में भी यही चीज़ पाई जाती बिल्कुल ठीक है जो फवाद हैं और उसके नतीजे में इसकी जो अहमियत अभी डॉक्टर साहब ने भी बयान फरमाई इस पर मज़ीद कुछ बात करने के लिए आपकी खिद में हाजिर हो रहा हूँ आपने फरमाया कि नफ़्स की मौत सब्र और मुखालफत से हो सकती है और इसकी बदौलत नफ्स लायक तहसीन बनता है और इसका बदला कभी भी ख़त्म नहीं होगा बेशक मैंने सब्र किया और इसका अंजाम बेहतर पाया क्या फरमाते हैं इस मुबारक खेज बात है ये एक कॉमन मैन में और एक सूफी में जी हाँ। उसकी अप्रोच में ये फर्क होता है सही। कि हमारे यहाँ यही होता है कि जो दिल करता है वो हम करते चले जाते हैं सही। जो हमारा नफ्स हमारी ख्वाहिश करता है उसके पीछे सूफी कहता है कि नहीं इस नफ्स से हमारा को कुचला ही इसकी मुखालफत से जाता हो, सूफी वली वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा वो होता ही वो है जो हमेशा नफ्स की मुखालफत करता है और आप फरमाते हैं कि इसकी इसको कुचला जा सकता है तो वो सबर से कुचला जा सकता है अब वो मैंने पहले अर्ज किया था कि सबर का मान है जब्त नफ्स अपने आप को कंट्रोल करना रोक लेना तो अब जो वो ख्वाहिश कर रहा है आप वहां कंट्रोल करके उस बाउंड्री लाइन पे खड़े होके पहले जायजा तो ले लें कि जिधर ये ले जा रहा है वो क्या काम अल्लाह रसूल की रजा का है या अल्लाह रसूल की नाराजगी का सवाब है से, से, तो अगर अगर ये तो नफ्स अमारा जो होता है वो कभी भी आपको सीधे रास्ते पर जाने ही नहीं देगा Allah. वो तो हमेशा वहां से बहकाने की कोशिश करता रहता मुस्तक अक्सर शाकिंग शैतान ने कहा था कि मैं सरात मुस्तकीम पर आके बैठूंगा दाएं से बाएं आगे पीछे से आऊंगा बहका के छोड़ूंगा हाँ वहां उसने खुद अपनी इस शिकस्त का एतराफ़ किया इल्ला इबादा का अल्लाह ये एक होता है, मुखलस होता, हुँ। हुँ। तो होता है जो अपना शो करता है तो रब कबूल फरमा लेता। उसे अपना मुकर्रब बना लेता है वो गौसे पाक वहां तो उसने भी हथियार डाल दिए तो आपने ये फरमाया है कि नफ्स को कुचला जा सकता है तो सब्र से और उसकी मुखालफत से और अगली बात इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है और ये बात प्रोफेसर साहब ने क्या खूबसूरत कही है कि ये जो आपके ख़ुतबात हैं ये ऐसी किताबें बदकिसमती ये है कि अब हम इससे दूर होते जा रहे हैं है। हमारे दरसियात इवन के मदारस के सलेबस से भी ये तसवफ़ की जो महतुलकुतुब यह निकाल दी गई अदरवाइज़ पहले ये पढ़ाई जाती थी शेख शादी की कुतब बुजुर्ग होश पा की किताबें अवारफ़ालमारफ ये किताबें और जब ये पढ़ के कोई बंदा मैदान अमल में उतरता था तो फिर उसकी बात की तासीर ही निरा अकबर अब ये जो कितनी प्यारी बात है आपने फरमाया कि मैंने सबर किया है और उसका मैंने रिजल्ट और अंजाम और नतीजा बहुत अच्छा पाया है अब वो सबर का नतीजा क्या था वो जब उस रास्ते पे चले इकबाल ने कहा ना कि जब मैं ला, ला, ला कहता हूँ तो लर्ज उठता हूँ जब मैं कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ मुसलमानम बेलर ये दानमश मैं मुस्... अपने आपको मुसलमान कहता हूँ तो लर्ज उठता की मुश्किल जानता हूँ शहादत गहे में कदम रखना है। समझते हैं होना। तो इकबाल के ये जो बात कही है ये जो सूफिया इस रास्ते पे चले हैं तो वो पहले दिन से मंजिल को देख रहे होते हैं कि इस रास्ते में कौन से मुश्किल है लेकिन वो बाई चॉइस उधर जाते हैं और फिर सब्र करते हैं और जब सब्र करते हैं फिर ये मकाम मिलता है कि हजूर गौ से आजम कुंभ इजनी कहते हैं तो वाँ मुर्दा वाँ। खड़ा हो जाता है फिर आप कहते हैं ता ये अल्लाह के सारे शहर मेरा मुल्क और मेरे ऑर्डर से चल रहे हैं फिर आप कहते हैं कि अगर मैं अपने सरबस्ता राज खोल दूं, किसी पहाड़ पे डालूं वो रेजा रेजा हो जाए दरिया में डालूं खुश्क हो जाए मुर्दे पे डालूं वो उठ के खड़ा हो जाए आग पे डालूं वो बुझ जाए फिर ये मकाम मिलता है गुफ्ता है। गुफ्ता है ये सबर का वो जो नतीजा था पहले आप अपने आप को उसके सपर्द कर दे मखलूक को खुदाई को आपके ताबे कर दे क्या बात अल्लाह सुबहान अल्लाह हजरत ये मौजू इतना माशा खूबसूरत है जितनी इसके अंदर गहराई है जैसे आपने जिक्र किया कि कुरानी करीब में सौ से ज्यादा जगहों पे इसका जिक्र है लेकिन कुछ बात हमने शुक्र पे भी करनी है हजरत शेख की आ, सीरत के हवाले से आपने फरमाया कि शुक्र तलब करता रहे शुक्र ना होने की सूरत में वो रिस्क फितना है और सब्र ना होने की सूरत में तंगी रिस्क फितना है सुबह शुक्र तेरी नेमतों को बढ़ाएगा और तुझे रब से करीब कर देगा जबकि सब्र तेरे कल्ब को सबात अता कर देगा और तेरी मदद करेगा बहुत खूबसूरती से आपने मोती हैं। इस कौल मुबारक की रोशनी में क्या ऐसे हैं। ही है जी सबर और शुक्र दोनों की डेफिनेशन जो आपने यहाँ पे खूबसूरत अंदाज में बयान की है तो ऐसे ही है कि जब कोई बला हो तो उस पर सब्र है और जब अता हो तो उस पर शुक्र है आगे इसके आगे जो आप फरमाते हैं वो फरमाते हैं कि एक होता है शाकिर शुक्र करने वाला और एक होता है शकूर वो उससे भी अगला दर्जा है ठीक वो ये है कि बला पर भी आप सिर्फ सब्र ना करें बल्कि उस पर भी शुक्र करें अल्लाह आए हैं तो उस पर भी आप उसकी तवज्जो में तो हैं और जिस कदर ज्यादा इस तरह की परेशानियां हैं तो उतना ही वो बंदा उसकी तवज्जो में ज्यादा होता है तो आप इसकी तरफ पेश कर रहे हैं कि रब माल अता करे और फिर बंदा शुक्र ना करे तो ये फितना है ठीक और मुसीबत हो और फिर उस बंदे से सबर ना हो तो ये भी उसके लिए बायस आर है और परेशानी का सबब है तो इस चीज को बयान करते हुए फिर आप दो चीजें और बयान करते हैं आप फरमाते हैं शुक्र भी करना है तो शुक्र के दो तरीके हैं एक है शुक्र बिलिसान सही और एक है शुक्र बिलजवारे एक तो शुक्र बिलिसान है कि आप हम वक्त अपनी जुबान से शुक्र अदा करें और बिलजवारे ये है कि आप अपने अमल से भी बताएं

और जाके उसको जा तो सरापा शुक्र है रब की बारगाह में कि जो कहा जा रहा है अब एक वक्त का बादशाह है और शहन जमाना के सामने आपका अंदाज और है और और एक आम फर्द है है उसके साथ आपका अंदाज और है। तो रब बंदे को अता करे तो फिर इसका यह मतलब नहीं है कि फिर उसमें किबर आ जाए इसलिए कि जैसे ही तकबर आता है तो बंदा मारा जाता है और खुदा फरमाते हैं कि जो अल्लाह का वली होता है ना अल वली जो मिन इला खम्स जो अल्लाह का वली होता है वो तो बंदे को पांच चीजों से निकाल कर और पांच चीजों में दाखिल कर देता है मिन शक की इला यकीन वो तो बंदे को शक से निकाल कर यकीन की दौलत अता मिनर रियाईलास तो रियाज से निकाल कर दौलत अखला करता है बंदे की तवज्जो आखिरत की तरफ कर बल्कि अगला मरहला बयान फरमाते हैं कि फिर वो फिक्र आखिरत भी छोड़कर खाली सलाह तरक के लिए हो जाए तो इस तरह फरमाते हैं कि फिर वो दुनियादारी के जो अमूर है और उसकी बजाय वो नसीहत और ख़ैर के काम और फिर ख़िदमत ख़ल की तरफ उसकी तवज्जो चली जाती है और इसी खुतबे में यही जो आपने बयान किया इसमें आप फरमाते हैं कि बनी इसराइल उनके ऊपर कोई मुसीबत आई कोई बला तो उन्होंने अपने नबी की बारगाह में रुजू किया ठीक हजूर मेहरबानी फरमाए यहाँ पे ये बला आई है ये मुश्किल परेशानी तो इसका हल क्या है तो उस नबी ने अल्लाह तला की बारगए अकदस में अल्लाह अब इस मुश्किल का हल क्या है तो अल्लाह करीम ने इशाद फरमाया बनी इसराइल से कह दो कि मिसकिनों की खिदमत करें गरीबों की खिदमत करें तो जैसे ही खिदमत करेंगे तो मैं इनसे राजी हो जाऊंगा ठीक तो ये भी एक शुक्र का तरीका है कि रब आपको अता करे तो आप उसको बांटें आप लोगों में जैसे सैयदना सईद आज़म शेख अब्दुल अबाद आपकी सारी सीरत इसकी गवाह है कि जो आया आप फरमाते थे मेरे हाथों में सुराख है मेरे पास चीज़ टिकती नहीं है रहती नहीं है जो आता है उसी वक्त तकसीम कर देते हैं तो ये खैर का सिलसिला आज भी जारी रखने की ज़रूरत है सबर के साथ साथ शुक्र यही पैगाम है क्या बात है सुबह अल्लाह सुबहान अल्लाह नाजरीन ब्रेक का वक्त है और अभी छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं और इस पर बात करते हैं बहुत अहम पहलू है कि जो कोई तकलीफ पहुँचती है जब कोई हमें मुश्किल पेश आती है तो वाविला मचाया जाता है और जब कोई नेमत मिलती है उसको छुपाया जाता है हज़रत शेख ने भी इस हवाले से कॉल इर्शाद फरमाया है वो मैं अर्ज़ करता हूँ लेकिन एक छोटे से वक्फ़े के बादन खुश आमदेद कहते हैं वक्फ़े के बाद आपको हजरत शेख ने क्या खूबसूरत इर्शाद फरमाया कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें कोई बुराई पहुंचती है तो तुम उसको ज़ाहिर करते हो और अगर भलाई पहुँचती है तो तुम उसको छुपाते हो बेश अल्लाह तसंद तो करता है कि जब वो अपने बंदे पर इनाम करे तो उस इनाम का असर उस पर क्या फरमाते हैं हजरत एक मिजाज है फितरी मिजाज है कि जब मुश्किल पहुँचती है तो शोर शराबा किया जाता है बाविला मचाया जाता है नेमत मिलती है तो वो इंसान समझता है कि मेरी एक काविश और कोशिश से ये हासिल हुआ है हजरत ने भी इस तरफ इशारा फरमाया क्या कहे सोच रहा था कि आपके एक एक कौले मुबारक पे एक प्रोग्राम बेशक ऐसा है इतना खजाना सुबहानल्ला अब ये इंसानी नेचर मिजाज और फितरत को से पाक ने अपने कोले मुबारक में बयान किया पाक ने भी इस मिजाज को बयान किया अल्लाह तुमको तला ने फरमाया कि जब तुम तुम्हे बुराई पहुँचती है तो उस वक़्त तुम अल्लाह की तरफ मनसूब कर देते हो अच्छाई पहुंचती है तो की तरफ से हालांकि कहा कि जो अच्छाई होती है वो अल्लाह की तरफ से होती है महाबा का मेन हसन तिन फमिन महाबा का जो बुराई होती है तुम्हारे अपनी शामत अमाल होती है अब दूसरा इसके साथ मिजाज यह है कि कोई तकलीफ आ गई कोई मुश्किल आ गई तो शिकवा गुना हो गए फौरन ही जनाब उस वक़्त सब कुछ भूल गए और वाह शुरू कर दिया और एक एक कदम पर एक एक सांस के साथ हम अल्लाह तबारक व ताला के कितने इनामात से कितनी नेमतों से करम नवाज़ियों से पाशियों से हम बहरा मंद हो रहे हैं उसका हमें कोई एहसास ही नहीं होता उसका हम इजहार नहीं करते तो ये सब्र जहाँ जरूरी है और सबर बंदे की बंदा मोमिन की जिंदगी का हसन है उसी तरह उस हसन का दूसरा रुख और दूसरा पहलू वो शुक्र है बेशक हर हाल में बंदे की जबान पर शुक्र रहना चाहिए शुक्र अदा यूं कहा गया कि अबर नईमान वाह वाह अल्लाह व शिक्र यमान कुल वाँ। 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 ला। ला। सबर है, शुकर है। और वो जो अभी डॉक्टर साहब ने बात कही थी कि जनाब अगर बंदे को यकीन की मंजिल मिल जाए तो फिर समझे कि उसको ईमान पूरा मिल गया और एक अदी शरीफ में नबी राम वसलम ने यूँ फरमाया मंजिला वाह 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 फरमाए जो बंदा खा के शुक्र करे ना वो ऐसे है जैसे भूखा रहकर सबर कर रहा है यानी एक बंदा भूख बर्दाश्त कर रहा है और सबर का मुजहरा कर रहा है भाँ भाँ तो देखिए जो अजर उसको मिल रहा है वही अजर उसको मिल रहा है जो नेमत खा के सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है और शुक्र का आखिरी जुमला ये अर्ज करता हूँ डॉक्टर साहब ने जो बात कही थी शुक्र की डेफिनेशन इससे भी वाइड है उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा अशुक्रो फेल उन युम बेहो अन मुनेम ले कौन ही मुनेमा सवाउन काना बिल लिसान और बिल जनान और बिल अरकान वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान शुक्र आपका हर वो एक्शन हर वो अमल है हर वो रवैया है जो आपके मुनेम और मोहसिन की ताजीम का की खबर दे क्या बात और चाहे वो रवैया वो अमल चाहे जबान का हो चाहे आजा का हो चाहे दिल का हो आपके दिल की धड़कनों में आपके मोहसिन और आपके महबूब की महबत मौजूद हो ये भी शौक सुबहानल्लाज कमे को महरूम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब बहुत बुनियादी बातें हैं और बहुत अहम मौजू है इंसान की जिंदगी से इसका ताल्लुक है और यही जो बात हम अभी कर रहे थे कि बिला मुफ्ती साहब ने भी बहुत खूबसूरती से उसको बयान फरमाया कुछ मज़ीद इस पे शाद फरमाई सब्र इंसान की जिंदगी में उसकी अहमियत मुश्किल और नियमतों के मिलने पर शुक्र इन दोनों को हम एक आग, आम में अगर देखना चाहें खुतबा देना भी इसीलिए था ताकि हमारी अमली जिंदगी में हम सब्र केबला हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस माशरे का वो कुत बर्दाश्त की कमी है ठीक आप देखें तसलसुल के साथ तलाकें हो रही हैं बात बात पे कतल वारत गरी हो जाती है नौजवान नस्ल हमारी नस्ल तेजी के साथ जज्बातियत की रोह में बहकर वो वो कदम उठा रही है जो हमारे माशरे की और हमारी तहजीब के और हमारे इस्लाम के खिलाफ है तो इसलिए ये जरूरी है कि हम दोबारा सबर की तरफ आए और यही अल्लाह करीम की ज़ात बरक़ात आपकी मंशा है इन अबरीन वो साबरीन के साथ है आप देखें नमाज का एक अजर है रोज़े का अजर है हर चीज़ का लेकिन इत, इसका अजर कितना है इन नमा नमाफ सोबिर बिस अल्लाह करीम ने जिसको दिया है वो अमल वो सब्र है और हजरत सीना गौस आजम रजील आप खुद बयान फरमाते हैं या यूहना मनुस्स बिर वसा व वाह इस आयत मुबारक के तहत आप फरमाते हैं कि जब तक तुम्हारे वजूद में सब्र नहीं आता तो शैतान तुम्हारे ऊपर हावी है तो शैतान को कमजोर करने का तरीका क्या है तो वो फार्मूला आपने बताया कि तुम अपने नफ्स के खिलाफ डट के खड़े हो जाओ और जो भी वो तुम्हें हुक्म दे उसकी मुखालफत करो और जब तुम उसकी मुखालफत करोगे तो नफ्स तुम्हारा कमजोर हो जाएगा और फिर तुम्हारा तुम पे अल्लाह ताला की जाते वरकात की निगाह खास वो तुम्हारे साथ शामिल हाल हो जाएगी क्या और फिर आप देखें आपकी जिंदगी में यह दौलत है ना जी सबसे बड़ी चीज सामने आती है कशिश तो बंदा इसकी तरफ मायल हो जाता है आपके पास एक शख्स आता है बड़ा परेशान आला है आप पूछते हैं क्यों परेशान हो और इसकी हजूर मैंने दरिया के पार जाना था मगर मेरे पास कुछ नहीं है और मल्ला कहता है पहले इतने पैसे दोगे तो फिर पार लगाऊंगा तो उसी वक्त आपके पास पैसे आए तीस दिन आर गिब तो आपने वो सारी दौलत उसको दे दी फरमाया जाओ उसको जाके कह दो कि ये इतना सोना सोने के सिक्के रख लो जब भी कोई शख्स आए दरिया पार करने के लिए तो किराया मुझसे ले लिया करो क्या बात करो।, करो क्या बात तो लोगों के काम आना लोगों की को हल करना ये आपकी ज़िंदगी का दर्स है जिसकी तरफ जाने की ज़रूरत है बहुत शुक्रिया जनाब मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबसम कादरी साहब जनाब डॉक्टर हाफिज़ गुलाम महिुद्दीन नक्शबंदी साहब जनाब हाफिज़ अबिद हुसैन चिश्ती साहब भी मनकबत आपसे सुनते हैं इन अशार के साथ आपसे इजाज़त तलब करते हैं कि तुम्हारे दम कदम से एक रौनक है ज़माने में तुम्हारे दम कदम से एक रौनक है ज़माने में तुम्हारी शान बेहमता तुम्हारी शान बेहमता तुम्हारी जात लासानी तुम्हारी, तुम्हारी सूरत सीरत में रंगो बूए अहमद है तुम्हारी सूरत सीरत में रंगो बूए अहमद है तुम्हारी जात में शामिल रही ताइद यसदानी तुम्हारा नाम लेवा बहरावर है है व दुनिया से तुम्हारा नाम लेवा बहरा वर है दीनों दुनिया से शहनशाही से खुशतर है तुम्हारे दर की दरबानी तुम्हारा नाम है एक शम्मा के मानंद म्मत में तुम्हारा काम था दीन मोहम्मद की निगेबानी बानी अल्लाह तुम्हारा काम था दीन मोहम्मद की निगेबानी इन्हीं अशार के साथ इजाजत दीजिए प्रोग्राम में मनकबत शामिल करते हैं अल्लाह नगे जा निया खुदा गो से आज़म हे जाने नबीया खुदा गो से आजम ए जाने नबीया गो the... से आज़म है किन्ना तेरा, तेरा मरतबा गो तो से आजम है किन्ना तेरा मर तबागो से आज़म स लै के अक्सीर नू साहे किसे अक्सीर नू साहे मिले जे के पागो से आज़म है किन्ना तेरा मर तबागो से आजम हुमावानुवी

जाणे नब ख़ुदा आज़म फज़ल ठोक रखां चंगा नगर फज़ल ठोकिरा दा, तेरा हो के मत हा, सरागो से आजम तेरा हो के मत हा, सरागो से आजम ए जाने नबी خدا گو سے آزم ہے کنا تیرا مر تباہ گو سے آزم